କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଉଛି, ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। What is the cause of concern for us is the case positivity in Kerala, which is 6.1, and in Mizoram, which is 8.2. So compared to the national case positivity, which we have just shared to you, both Mizoram and Kerala are showing very high case positivity still. And we have also shared with you of the total number of tests that these states do, what is the share of RT-PCR? Ideally, RT-PCR should be in the region of 60% to 70% of the total tests that are conducted. However, there are certain states here where that percentage is still significantly lower. There are 20 districts in the country where case positivity is more than 5% but less than 10%. Desh mein 20 jile aise hain jahan ki jo positivity ki dar hai wo 5% se zyada hai lekin 10% se kam hai. In 20 jilon mein se 9 Keral mein hain, 8 Mizoram mein hain, 1 Sikkim mein hai, 1 Manipur aur 1 Paschim Bengal mein hai. उसी प्रकार से 2 जिले ऐसे हैं जहां की पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा है। तो इस प्रकार 22 जिले ऐसे हैं देश में जो कि हमारे लिए चिंता का विषय हैं, और इन राज्यों से जिनमें ये जिले स्थित हैं हम लगातार कंसल्टेशन में हैं, परामर्श में हैं, और हमारी केंद्रीय दल भी इन जगह पर भ्रमण करके टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। तो ये 2 जिले जहाँ 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है ये मिजोरम में है। अब हम ओमिक्रॉन की बात करेंगे। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो विश्व में 108 देशों में 1,51,000 से ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 26 इसमें मृत्यु रिपोर्ट हुई हैं। जो 10 देश हैं अधिकतम संख्या के आधार पर वो हैं यूके, डेनमार्क, कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और एस्टोनिया। यानी 10 देशों में मैक्सिमम जो कोविड के केसेस हैं उसमें यूके में 90,000 से ज़्यादा केसेस हैं, डेनमार्क में 30,000 से ज़्यादा केसेस हैं, नॉर्वे और कनाडा में 5,000 से ज़्यादा हैं, यूएसए और जर्मनी में 3,000 से ज़्यादा हैं और साउथ अफ्रीका में 1,600 से कुछ अधिक हैं। ये हमने विश्व के नक्शे पर भी आपको कलर कोड के माध्यम से ये दिखाया है कि ओमिक्रॉन का स्प्रेड क्या है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अब तक WHO ने ओमिक्रॉन के बारे में किस प्रकार के गाइडेंस दिए हैं। WHO ने 7 दिसंबर 2021 को ये कहा कि ओमिक्रॉन 7 दिसंबर 2021 को ये कहा कि ओमिक्रॉन हैज़ अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ एडवांटेज ओवर डेल्टा। इसका अर्थ ये है कि जिस रफ्तार से डेल्टा फैलता है उससे कहीं अधिक रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है। WHO ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन के केसेस डबल होते हैं 1.5 दिन से 3 दिन के अंदर। तो ये अपने आप में चिंता की बात है, इसलिए हमारा परामर्श राज्यों को और आपके माध्यम से सबको ये है कि हमें विजिलेंट रहने की आवश्यकता है और हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बहुत सख्ती से अपनाने की आवश्यकता है। दूसरा, WHO ने ये कहा कि अ हायर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन कंपेयर्ड टू डेल्टा हैज़ बीन कन्फर्म्ड by household and contact studies in United Kingdom. UK में जो studies हुई उन्होंने बताया कि घर के भीतर और जो positive Omicron व्यक्ति के contacts हैं उसमें ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन संतोष की बात यह है कि WHO का ये भी कहना है और हमने भी अपने देश में देखा है कि जो therapeutic intervention है यानी treatment protocols जो हैं जो COVID के लिए हमने अपनाए थे और डेल्टा के लिए भी अपनाए थे, वो भी VOC है, वही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ओमिक्रॉन पर भी प्रभावी होंगे।
लेकिन फिर इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न और हाई रिस्क वेरिएंट क्यों माना जा रहा है, इसके लिए WHO ने तीन कारण दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो हमने आपसे शेयर की। उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि एविडेंस अभी भी इमर्ज कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इम्यून एस्केप का जो पोटेंशियल है इस VOC का, वायरस ऑफ कंसर्न का, वो ज़्यादा है, यानी इम्यून सिस्टम से वो एस्केप करता है। हाई ट्रांसमिशन रेट भी हैं, जिनसे कि मल्टीपल सर्जेस हो सकते हैं और भविष्य में भी सर्जेस हो सकते हैं। ये 17 दिसंबर को WHO ने कहा। उसके बाद 22 दिसंबर को उन्होंने कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही हैं, वो भी हम आपके ध्यान में लाना चाहेंगे। 22 दिसंबर को WHO ने एक ब्रीफिंग आयोजित की, उसमें WHO के डायरेक्टर जनरल ने ये बोला कि ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले तेज रफ्तार से, अधिक तेज रफ्तार से फैल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्लैंकेट यूज ऑफ बूस्टर डोजेज के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। क्यों? उसका उन्होंने कारण दिया। उन्होंने ये कहा, नो कंट्री कैन बूस्ट इट्स वे आउट ऑफ द पेंडेमिक एंड बूस्टर्स कैन नॉट बी सीन एज टिकट टू गो अहेड विद प्लान्ड सेलिब्रेशंस विदाउट द नीड फॉर अदर प्रिकॉशंस। साधारण हिंदी में इसका अर्थ ये है कि केवल बूस्टर लगा लेने से अगर आपको लगेगा कि पेंडेमिक से मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको बूस्टर मिल गया, इसलिए आप तरह तरह के उत्सव और त्योहारों में भाग लें, ऐसा भी ठीक नहीं है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं WHO कि वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ अन्य कदम भी महत्वपूर्ण हैं। अन्य कदम क्या हैं? अन्य कदम है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, आप भीड़ भाड़ से बचें, आप अगर आपने दूसरा डोज नहीं लिया है तो उसको लें, यदि आपके पास लक्षण आपको दिखते हैं तो आप अपने को टेस्ट कराएं, आइसोलेट करें। इस प्रकार के स्टेप्स अभी भी लिए जाने होंगे वैक्सीनेशन के बाद भी। WHO में ही जो उनके चीफ एनालिस्ट हैं अब्दी मोहम्मद, उन्होंने कहा, ऑल्दो वी आर सीइंग अ रिडक्शन इन द न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडीज, ऑलमोस्ट ऑल डाटा शोज टी सेल्स रिमेन इंटैक्ट, दैट इज व्हाट वी रियली रिक्वायर। While the antibody defenses from some courses have been undermined, there has been hope that T cells, the second pillar of an immune response, can prevent severe disease by attacking infected human cells. अब ये concept दो हैं। एक concept है कि जब आप टीका लगाते हैं तो आपके शरीर में neutralizing antibodies तैयार होती हैं और वो फिर बीमारी से लड़ती हैं। दूसरा concept है कि आपके शरीर में टी सेल्स भी होते हैं और वो टी सेल्स याद रखते हैं बीमारी को, और जब भी बीमारी पुनः आती है तो वो फिर सामना करते हैं। तो केवल ये कहना कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर नीचे आ गया इसलिए अब मैं खतरे में पड़ गया हूँ, ये संभवतः ठीक बात नहीं है। क्योंकि अगर आपका न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर्स नीचे आ रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, विच दे डिक्लाइन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट दे डोंट बिकम जीरो, इट इज नॉट ऑल एंड नथिंग सिनेरियो, या तो सब कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, ऐसी स्थिति नहीं है एंटीबॉडी टाइटर्स के मामले में। वो धीरे धीरे कम होते हैं, लेकिन जब तक वो एक डिफाइंड थ्रेशोल्ड से ऊपर हैं तो वो बीमारी का मुकाबला करेंगे। इसके साथ साथ टी सेल्स भी बीमारी का मुकाबला करते हैं, यही अब्दी महमूद कहना चाह रहे हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट किस प्रकार से फैला। ऊपर जो आप नंबर देख रहे हैं वो राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या है। इस समय देश के 17 राज्य और संघ शासित क्षेत्र 358 ओमिक्रॉन केसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं। So there are now 358 Omicron cases in 17 states and UTs of India. We will now show the same figure in India's.
ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମତ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇକି ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ସଜାଗ ରହିବା